मानव सेवा क्लब ने दिलाई छात्र छात्राओं को चीन के सामान के बहिष्कार का संकल्प। नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। छात्र छात्राओं को दिलाया चीन के सामान के बहिष्कार का संकल्प। मानव सेवा क्लब के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित शांति अग्रवाल विद्या मंदिर के प्रांगण में चीन के सामान के बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं को चीन के पटाखे, खिलौने और सभी चीजें न खरीदने और उसका इस्तेमाल न करने का संकल्प। यह संकल्प छात्र छात्राओं को क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, महासचिव अभय सिंह भटनागर, निर्भय सक्सेना, इंद्र देव त्रिवेदी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर धीरेंद्र शर्मा ने दिलाया। चीन हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित तभी किया जा सकता है जब हम उसका सामान न खरीदें। हमें आत्मनिर्भर बनना है। खासतौर से मौजूद लोगों में रश्मि उपाध्याय, मुकेश सक्सेना मौजूद रहे। मैं चीन देश द्वारा निर्मित कोई भी सामान ना ही खरीदूंगा, ना चाहे वो खिलौने पटाखे जहाज को ना हो। हम मिट्टी के खिलौने दीपक और गणेश लक्ष्मी खरीदेंगे। चीन ने भारत में अस्थमा रोग फैलाने के लिए पटाखों में विशेष प्रकार का बालू भरा है, जिसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा जहरीली गैस निकलती है। सुरेंद्र बीनू सिन्हा, मानव सेवा क्लब का अध्यक्ष हूँ और आज जो है हम लोगों ने सरस्वती विद्या मंदिर में डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी के सहयोग से यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है, चीन का सामान हम लोग प्रयोग ना करें और बच्चों को भी हम लोगों ने संकल्प दिलाया है कि वो अपने अभिभावकों से कहें कि वो चीन का कोई भी सामान ना खरीदें ना इस्तेमाल करें। और ये जितना भी सामान बन रहा है ये हम लोगों के स्वास्थ्य की खराबी के लिए साजिश के रूप में बनाया जा रहा है। और जो लोग हम सामान खरीदते हैं वो जिसका पैसा भी चीन में जा रहा है, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो रही है और उनकी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी सामान चीन का नहीं खरीदना है और ना कोई पटाखे खरीदने हैं, ना खिलौने खरीदने हैं, ना झालरें खरीदनी है, और भी जितने भी सामान है बिल्कुल नहीं खरीदना है। चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो बार बार परेशान कर रहा है हमारे देश को। कई सैनिकों को मार दिया है उसने, और हालांकि हमारा देश भी बहुत मजबूत है लेकिन हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रखें और उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर करें तो इससे भी एक बहुत बड़ा उनको जो है धक्का पहुंचेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इसको भी सुन रहे हो और जितने भी इसको देख रहे हैं, वो भी चीन का सामान इस बार ना खरीदें। इंद्रदेव त्रिवेदी, मानव सेवा क्लब के संस्थापक सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने शांति देवी रावण दयाल अग्रवाल कॉलेज में यहाँ पर चीन के सामान के बहिष्कार की शपथ का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने सामान का बहिष्कार इसलिए भी किया है कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतने कारीगर हैं, हमारे यहाँ इतने विशेषज्ञ हैं, हमारे यहाँ इतने जानकार हैं और हम उनकी बनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हम एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा पैसा हमारे ही किसी व्यक्ति के पास जा रहा है। तो स्वाभाविक है जिस परिवार के पास वो पैसा जाएगा वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और वो भारत देश को भी मजबूत करेगा, अपने परिवार को भी मजबूत करेगा, अपने समाज को भी मजबूत करेगा। तो इसलिए हम लोग आज इस बहिष्कार की अपील लोगों से कर रहे हैं कि सारे ही लोग मिलकर जो है भारत में बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग करें। डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, जैसा कि अभी एक कार्यक्रम संचालित हुआ मानव सेवा क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी इंडियंस आइटम्स को विद्यालय के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समझाया और बतलाया कि हमें अपने भारतीय वो मूल्यों को नहीं भूलना है और अपने भारतीय चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। चाइनीज़ जो कि हमारे लिए विषमताएं उत्पन्न कर रहा है उसकी किसी भी चीज़ को हमें नहीं खरीदना है और उल्लंघन करना है कि चाइनीज़ आइटम्स का, और इंडियन आइटम्स को ही परचेज करना है। इस
दीपावली के बड़े फेस्टिवल कार्यक्रम में हमें अपने घर पर प्रत्येक दिवस यही सोचना है कि हमें चाइना के किसी आइटम को ना खरीदते हुए हमें भारतीय आइटम्स को ही परचेज करते हुए अपने दीपावली के उत्सव को मनाना है। थैंक यू वेरी मच। सर क्या नाम है सर? मैं निर्भय सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हूँ बरेली में। मानव सेवा क्लब द्वारा आज जो चीन के सामान का बहिष्कार कार्यक्रम शांति देवी रामानंद दयाल अलवाल सभागार में किया जा रहा है, यहाँ के बच्चों को हम लोगों ने यही संदेश दिया है कि हम अपने देश के बने सामान का हर तरह त्योहारों पर अधिक से अधिक उपयोग करें। जिस तरह के हमारे देश के कारीगर लोग अपना सामान बनाते हैं, कुंभकार हैं या कैंडललाइट बनाने वाले हैं, उनका सामान अगर हम खरीदेंगे तो उनके परिवारों को भी दिवाली होगी। हम लोग बच्चों को यही संदेश दिया है कि हम लोग जो अधिक से अधिक देशी सामानों का ही उपयोग करें, विदेशी सामानों से हम लोग परहेज करें, क्योंकि चाइना जिस तरीके से हरकत कर रहा है, सीमाओं पर हमारे उसकी कुदरती है, उसे हर तरीके के ओछे हथकंडे अपना रहा है और तरह तरह के गलत चीजों का हम लोगों देश में भेज के हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उसने प्रयास किए हैं। हम लोगों ने संदेश सभी को ये दिया है कि हम लोग देश का एक दीपक जलाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ये संदेश बच्चे लोग देंगे कि घर में दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, उससे देश के कारोबार को भी प्रगति मिलेगी और पंख लगाएंगे। इसके साथ ही एक अपील और भी है कि जो धार्मिक चित्र वाले पटाखे हैं या उस पर जो आते हैं उसका भी हम लोग बहिष्कार करना अगर शुरू करेंगे तो धार्मिक प्रतीक वाले चिन्ह हमारे देश में लगने बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पटाखे की डिब्बी खरीदी उसमें लक्ष्मी गणेश का फोटो है, हमने पटाखा उसका जला दिया और लक्ष्मी गणेश पटाखे फेंक दिए, तो इस चीजों से भी हम लोगों को बचना होगा। जिनकी हम पूजा करते हैं उनके चित्र सड़कों पर ना पड़े हमें दिखाई दें अगले दिन, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। माय नेम इज पायल शर्मा, मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। शांति हमारे स्कूल का नाम शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर है और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमें हमारे देश में बने हुए सामान का ही यूज़ करना चाहिए। जय हिंद जय भारत।